निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मी एक बार फिर लामबंद हुए हैं और गुरुवार से दो दिनी हड़ताल पर चले गए, जिससे बैंक का कामकाज प्रभावित हुआ और लोग परेशान दिखाई दिए। हम आपको बता दें कि सरकार के निजीकरण के फैसले के विरोध में कर्मियों ने विरोध दर्ज कराया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राधावल्लभ मार्केट में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बैंक कर्मियों ने बताया कि निजीकरण होने से लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, साथ ही आज तक बैंक से मिलने वाली सुविधा लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने जा रही है, जिसके विरोध में लामबंद होकर हड़ताल की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि फैसला वापस नहीं लेने की दशा में वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या मांग है हड़ताल की? हम निजीकरण बिल जो पारित हुआ है उसके रद्द कराने के लिए आज 16 दिसंबर और 17 दिसंबर के लिए हड़ताल रखी गई है। इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य है निजीकरण को रद्द कराना, क्योंकि निजीकरण से आम जनता को नुकसान होगा, आम किसान को नुकसान होगा, आम मजदूर को नुकसान होगा। क्योंकि आपने देखा होगा PMC बैंक, यस बैंक जो कि निजी बैंक थे, जिनके डूब जाने के कारण कई सारी आम जनता का पैसा डूब गया है। इसीलिए हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि ये निजीकरण ना हो और आगे भी करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू कुशवाहा, STSC OBC वाइस प्रेसिडेंट। बैंक कर्मी आज निजीकरण का जो बिल है उसके विरोध में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम जो है आम पब्लिक को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग भी इस मुहिम में जो है बैंकों का साथ दें, क्योंकि यदि सारी बैंकें प्राइवेट हो गई तो देश की जनता के लिए भी बहुत बड़ा जो है ये एक तरीके से जो है धोखा है। क्योंकि आज की स्थिति में यदि आप देखें कि कोई भी एक जो है कोई भी एक इंसान एक हाउस लोन यदि प्राइवेट बैंक से लेता है और एक जो है नेशनलाइज बैंक से लेता है तो उसकी जो EMI में जो है बहुत ज़्यादा अंतर है। उसके अलावा जो है प्राइवेट जो बैंक है उनके छुपे हुए चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आज जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो ले लेते हैं प्राइवेट से बैंक से लोन, उसके बाद जो है उनको जब मालूम पड़ता है और उनके जो चार्जेस लगते हैं यदि उनका एक चेक भी बाउंस हो जाता है तो वो लोग जो हैं इतना चार्ज लेते हैं कि पूछो मत आप। तो हमारा आम जनता से ये जो है ये रिक्वेस्ट है कि हम बैंक वाले तो इसका विरोध कर ही कर रहे हैं, बाकी जो है जागरूक जनता को भी इस मुहिम में जो है शामिल होना चाहिए। और देश में जैसा किसान आंदोलन के इसमें सब लोगों ने मिलकर ये किया है तो इसी तरह जो है बैंक वालों का भी लोगों ने साथ देना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री जो भी इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया था वो इसीलिए किया था क्योंकि ये सब सूदखोरों जो है उनके अधीन थी। तो अब जो है उसका ठीक उल्टा हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारी सब लोगों से भी यही गुजारिश है कि वो लोग भी इस चीज़ को समझें। निजीकरण धोखा है, धोखा है। नाम है आपका? बजरंग यादव, SBI सब्जी मंडी शाखा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW 24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।